हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नालायक बॉय सैम में। तो शुरू करते हैं आज का नया व्लॉग नई सुबह और नई जर्नी के साथ। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा बॉलीवुड के जाने माने बहुत ही फेमस एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा सर का बंगला, और उनका बंगला उनके बंगले का नाम क्या है, कैसा है और कहाँ पर है। तो आज की वीडियो में ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। तो फाइनली मैं उनकी लोकेशन पर पहुंच चुका हूं। आप जो मेरे बैकग्राउंड में ये बंगला देख रहे हो, ये उन्हीं का बंगला है। तो अगर आप भी इस लोकेशन पर आना चाहते हो तो शुरू करते हैं यहां तक पहुंचने की जर्नी, उसके बाद बढ़ाएंगे वीडियो को आगे। पास ही आपको देखने के लिए मिलेगा बॉलीवुड के मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा सर का बंगला। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो आप चौराहा देख रहे हो, इसी चौराहे पर आपको रिक्शा वाला लाकर छोड़ देगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है महमूद चौक। और ये जो आप कॉर्नर पे बंगला देख रहे हो, ये बंगला है रोहित शेट्टी सर का, और इससे जस्ट नेक्स्ट बंगला है शत्रुघ्न सिन्हा सर का। तो गाइस, आई होप कि आपको यहाँ तक पहुँचने की जर्नी समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को बढ़ाते आगे, तो हम बात करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा सर के बचपन की। तो इनका जन्म सन 1945 में बिहार के पटना इलाके में हुआ, और उसके बाद इनके पापा चाहते थे कि ये बड़े होकर बहुत ही काबिल डॉक्टर बने, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा सर ने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, और वहाँ से FTII से एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने काफ़ी स्ट्रगल करके अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा सर के चेहरे पर एक चाकू का कटा हुआ निशान है, उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी दिक्कतों का सामना किया, और वो चाहते थे कि किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर उस प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू वो निशान हटा दिया जाए। लेकिन उनकी मुलाकात हुई देवानंद साहब से, और देवानंद साहब ने उन्हें मशवरा दिया कि आपका जब काम चलेगा तो आपका नाम चलेगा, और जब आपका नाम चलेगा तो जो आपकी खामी है वो लोगों को आपकी खूबी नज़र आने लगेगी। और देवानंद साहब की ये बात सुनकर शत्रुघ्न सिन्हा सर ने प्लास्टिक सर्जरी का आइडिया कैंसिल कर दिया। और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद देवानंद साहब की एक मूवी में इन्हें छोटा सा रोल प्ले करने का मौका मिला, और उस मूवी का नाम था प्रेम पुजारी, और ये सन 1970 में रिलीज़ हुई थी। और उसके बाद इन्हें काफ़ी सारी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इनकी एक मूवी रिलीज़ हुई थी सन 1976 में, उस मूवी का नाम था काली चरण, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। और उस मूवी के बाद इनको काफ़ी सारी फिल्मों के ऑफर आने लगे, और इन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया, जैसे कि नसीब, दोस्ताना, विश्वनाथ और काली चरण। और काफ़ी सारी फिल्मों में काम करने के बाद इन्होंने बॉलीवुड में एक अपना अलग मुकाम बना लिया, और बॉलीवुड की बुलंदियों को छू लिया। और सन 2003 में इन्हें बेस्ट एक्टिंग अवार्ड भी मिला, और शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने बड़े पर्दों पर ही नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर भी अपना जलवा दिखाया, जैसे कि इन्हें स्टैंड अप कॉमेडी रियलिटी कॉमेडी शो में ये जज बनकर आए, और भोजपुरी के शो में जो है कि कौन बनेगा करोड़पति में ये होस्ट बनकर भी आए। और इसी तरह से इन्होंने काफ़ी मेहनत करके अपनी बॉलीवुड में एक अलग मुकाम बनाया, और बॉलीवुड की बुलंदियों को छू लिया। तो गाइस, आइए हम दिखाते हैं इनका पूरा बंगला, बाहर से इनका नाम क्या है और कितना मालिक इनकी बिल्डिंग है। तो आइए बने रहिए वीडियो के साथ। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं शत्रुघ्न सिन्हा सर के मेन गेट पर खड़ा हूँ। इनके बंगले का नाम है रामायणा, और ये बंगला जो देख रहे हो, ये बंगला नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग इन्हीं की है, पूरा टावर। तो ये 10 फ्लोर की इनकी ये बिल्डिंग है, और इनके जस्ट बाजू से ही अगर आप देखोगे तो इनके दो गेट है। ये जो आपने गेट देखा है, ये इनके घर का मेन गेट है, और इनके जस्ट बाजू से 5 कदम के बाद ही इनके घर का दूसरा गेट है, जैसे कि आप देख सकते हो। और अगर आप भी इस लोकेशन पर आना चाहते हो तो आप अंधेरी स्टेशन से या बांद्रा स्टेशन से बोल सकते हो कि हमें शेट्टी टावर के पास जाना है, क्योंकि शेट्टी टावर इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि इनके जस्ट बाजू में ही रहते हैं रोहित शेट्टी सर, जो कि बिल्कुल जैसा कि आप देख सकते हो जहाँ से ये गाड़ी आ रही है, तो ये हाईवे रोड है, और हाईवे रोड पर कॉर्नर पर है रोहित शेट्टी सर का घर, और दूसरे सेकेंड नंबर पर है शत्रुघ्न सिन्हा सर का बंगला। तो गाइज, आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है और वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहो, हैप्पी रहो। ओके, टाटा, बाय बाय।